الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى <applause> ولسوف يرضى فقه السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم के मौजू पर तजलियात नबूत इस किताब का सफ़ा नंबर तिरासी से छियानवे तक एटी थ्री से नाइन्टी सिक्स तक इनशा आज के दरसे में मुराज़ा की कोशिश करेंगे इस किताब को पढ़ने का जो तरीक़ा हम और आप ने मिलकर मुतन किया था वो ये था कि जब हम पंद्रह दिन पर मरकज़ आए तो कम से कम पच्चीस सफहत का मताल करके आएं और उससे जो हमारे लिए नसीहत और इबरत की बातें मालूम होती हैं उसको नोट करते रहें सवाल भी बनाते रहें ये समझने के लिए आसानी होगी ये किताब ऐसी नहीं है कि हर्फ बा हर्फ स्तर दर सतर पढ़ी जाए यानी उस पर बहस की जाए और लेक्चर दिया जाए इसमें से चंद वाक़ की रोशनी में गुफ्तु की जाएगी बाकी बकिया हिस्सा आपको खुद पढ़ना पड़ेगा और एक नहज एक तरीका इसके मतल का हम देने की कोशिश करते हैं कि आप उसी एतबार से आगे भी पढ़ें उसी एतबार से आप इसका मताल करते हो तो वैसे ही आप भी अपने जहन इस्तेमाल करें तो आज के दरसे में एटी थ्री से नाइन्टी सिक्स तक इन शनवान है मुसलमानों की तहजीब मुसलमानों को सज़ा सताना कुफ़ार मक् ने जब ये देखा कि मक् में बहुत सारे लोग अल्लाह के वसल्लम की दावत को कबूल करने लगे और उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो कि सामाजिक अतबार से कमज़ोर थे और ये एक सच्चाई है कि समाज के जो कमज़ोर लोग होते हैं वो हक़ को कबूल करने में सबकत कर ले जाते हैं पहले कबूल करते हैं और जो सरकर्दा लोग हैं वो हक़ को कबूल करने में पीछे रह जाते हैं हालांकि इसके ख़िलाफ़ भी है कि बहुत सारे लोग सरकर्दा हैं अच्छे मनसब उदे पर हैं उनके पास दौलत है तमाम चीज़ होने के बावजूद जब हक़ उन तक पहुंचता है तो कबूल करने में तरद़द नहीं करते लेकिन अक्सर इसके खिलाफ होता है अक्सर जो मालदार हैं या उहदा और मनसब के मालिक हैं वो लोग हक़ को कबूल करने में पीछे रह जाते हैं तो जब ये कमज़ोर किस्म के लोग आपके खिलाफ जाते हैं गर्च हकीक़त में वो आपके ख़िलाफ़ नहीं रहते आप गलत रास्ते पे थे वो सीधे रास्ते पे चले गए आपको उन्होंने कुछ कहा भी नहीं लेकिन हमारे अंदर एक चीज़ है कि ये हमसे छोटा होकर के हमारे ख़िलाफ़ कैसे चला गया हमसे अलग इसने रास्ता क्यों बना लिया ये चीज़ ऐसे लोगों को गुस्सा नफ़रत और अदावत से भर देती है और फिर ऐसे लोगों को जो बेचारे समाजिकबार से कमज़ोर हैं उनको हर एतबार से रोकने की टोकने की मारने की सज़ाएँ देने की कोशिश करते हैं वही हाल अहले मक् में रहा कि जब उस समाज के कमज़ोर किस्म के लोग ईमान लाना शुरू किए तो लोगों ने उन पर जुल्म करना शुरू किया। हालांकि तरीका क्या होना चाहिए था कि वो जो बात कह रहे हैं या जिस पर वो ईमान ला रहे हैं उसको सुने उसका इल्मी रद्द करें जो उनकी बातें हैं उनको सुन करके उनका जवाब देने की कोशिश करें ये सही तरीक़ा है उनको मुतमईन करने की कोशिश करें उनके जो एतराज़ात हैं उसको दूर करने की कोशिश करें ये सही तरीका है था लेकिन बातिल हमेशा इसके ख़िलाफ़ जाता है जब उसके बाद दलाइल नहीं रहते जवाबात नहीं रहते तो फिर वो मार धाड़ पर आ जाता है गाली गुलूच पे आ जाता है मजाक उड़ाने पर आ जाता है ये जो मैं बता रहा हूँ कि हमेशा ऐसा हुआ है कि उमूमन पहले लोग दलायल देने की कोशिश करते हैं बातिल पर जो होते हैं हक़ के ख़िलाफ़ दलील देने की कोशिश करते हैं। इल्मी मुबा करने की कोशिश लेकिन बहुत जल्दी वो उसमें ये समझ में आ जाता है कि इनका जवाब हम इल्मी तौर पर नहीं दे सकते क्योंकि रुपा वो दलाइल है ही नहीं जिससे हक़ का मुकाबला कर और हक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता तो अब वो दूसरे हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तंज़ो तशनी मजाक इसतजा गाली गुलूच मार पीट वो शुरू कर देता आज भी यही हाल समाज के अंदर है हक के जो कशमकश है आज भी वही सूरत हाल है तो वो ही से ऐसा रहा अब देखिए चंद मुसलमानों के बारे में यहाँ जिक्र किया जा रहा है उनको सजाओं से दो चार किया लोगों ने गलती क्या है उनकी जुर्म क्या है सिर्फ इतना है कि वो सैकड़ों माबोदा ने को छोड़ करके एक अल्लाह की इबादत करने लग गए थे इधर उधर हाथ फैलाने के बजाय एक जगह हाथ फैलाना शुरू कर दिया था और किसी को उन्होंने गाली गलूज नहीं की थी किसी को मारा नहीं था किसी का माल नहीं छीना था किसी को बुरा भला भी नहीं कहा था लेकिन उसकी सज़ा वो इस तरीके से देते हैं जो मुमकिन हो सकता है बिला का मामला मशहूर है कि मक्का की गलियों में मारते पीटते जितना कुछ होता करने के बाद जो आबाश किस्म के शरारती किस्म के समाज में नौजवान होते हैं जिनको हम अपनी जबान में कह देते हैं कि लोफर हैं ऐसे लोगों के हाथ में रस्सी बांध करके उन पर उनके हवाले कर देते थे और वो मक्का की गलियों में और मक्का आप जानते हैं पथरीली ज़मीन है वहाँ की उन गलियों में उनको घसीटते थे तो क्या घसीटते वो कुछ बोलते नहीं रहे होंगे सब कुछ हंसी मजाक मारना पीटना ऐसा होता है इसको समझने के लिए इस वाक्य को हमने बहुत बार सुना है बहुत बार सुनाया है पढ़ा है आज जब हम वीडियोस देखते हैं लिंचिंग की जो जो कैफियत होती इससे ज्यादा मामला मक्का में था ऐसे घसीटते हैं देखो जो घसीटते हैं जो मारते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे वो सिर्फ़ मारते नहीं जो कुछ मुंह में आता है वो बोलते हैं गाली गुलूच देते हैं बेइज़्ज़त कर जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं ऐसे ही बिला अल्लाह साथ, उससे ज़्यादा मक्का मक् गलियों में सख्त धूप में उनको घसीटा जाता था और वो अल्लाह के मकर्रब बंदे जिनका मकाम बहुत बुलंद है उमर अल्लाह तह उनको सैदना कहा करते थे अपना आका करार देते थे सरदार मानते थे वो सिर्फ जबान पे एक लफ्ज रहता था अहद अहदुन, अहद अहद लोग अहद के अलावा दूसरा चाहे थे एक नहीं कई मान लो इतनी सी बात थी लेकिन नहीं तो ये सजाओं से दो चार किए जा रहे हैं वजह क्या थी एक अल्लाह को अपना माबूद मान रहे थे उबका सदी ने देखा तिन्हें ख़रीद करके आज़ाद कर दिए ऐसे ही बहुत सारे साहब कराम अबू फ़कीह अबू फ़कीह जिनका नाम अफलाह था उनको भी ऐसे जलती रेत पर लिटा करके घसीटा जाता था जलती जमीन पर डाल करके उनका गला घोंट दिया जाता था लगता था मर गए उस हालत में छोड़ते थे जुर्म क्या एक अल्लाह की इबादत करने का जुर्म है तआला गुजरे देखा खरीदा और आज़ाद कर दिया खब्बा बिन बिन अरत मशहूर सहाबी रसूल ये एक लोहार के, के गुलाम थे जब मुसलमान हुए तो उनके मालकिन लोहे का जलता हुआ टुकड़ा लेकर आती हैं और पीठ पर डाल देते थे गरम लोहा है ला करके पीठ पर डाल देते थे ताकि मोहम्मद वसल्लम के साथ कुफरे करें मगर इससे इनका ईमान और बढ़ जाता था। इस्लाम ईमान इतना कमजोर नहीं होता इससे और बढ़ जाता है कभी गर्दन मुड़ोते कभी बाल नोचते कई बार तो जलते हुए कोयलों पर डाल दिया जाता था जिन्हें उनकी पीठ की चर्बी ही बुझाती थी शोला हमें सुना इब्राहिम को डाला गया है सही बात है बहुत बड़ा मामला है वो अल्लाह ने उसको ठंडा कर दिया वो भी तोहेद की राह के राही थे और ये भी इनका मामला कि इनकी पीठ की चर्बी से वो लोहा और वो कोयला बुझ जाया करता था जुर्म में क्या है एक अकेले अल्लाह की इबादत करना एक अकेले अल्लाह को मबूद मानना मर्द तो मर्द औरतें भी जो इस्लाम कबूल कर रही थी उनके साथ भी ही मामला हुआ हजरत हजरत जनीरा सिद्दीका के वजन रूमी लौंडी थी वो भी मुसलमान ये गुलाम और लौंडिया इस्लाम कबूल कर रहे थे ये मामूली चीज़ नहीं थी कि जिनका अपना कोई बेस नहीं है कोई ठिकाना नहीं है खुद दूसरे के मातहती में पल रहे हैं जी रहे हैं वो इस्लाम की दौलत को कबूल कर ले रहे हैं ऐसे ही उम्म अबीस बनु जहरा की एक लौंडी थीं अमर बिन मोइल की एक लौंडी मुसलमान तो उन्हें उमर खत्ताब सताया करते थे वो अभी मुसलमान नहीं चुनाच इतना मारते कि थक जाते फिर छोड़ कर कहते मैंने किसी मुर्वत के बिना पर नहीं बल्कि मारते मारते उकता गया हूँ इसलिए छोड़ दिया यानी जर्र बराबर रहम के नाम की चीज़ नहीं थी दिलों में मुसलमानों को सताने के लिए मारते मारते छोड़ देते तो ये बता देते कि तुम पर मैं रहम नहीं खाया हूँ कि मेरे तय तो शायद तुम्हारे जहन में आगे शायद रहम खा लिया मैं रोई इतना कुछ नहीं बताते थे मैं थक दिया उसे छोड़ दिया हूं वरना रहम नहीं है फिर मारते ऐसे ही बहुत सारे लोगों का मामला है और बकर सद्दीकल्ला इस सिलसिले में अल्लाह ने उनसे बड़ी ख़िदमत ली कि ऐसे साहब सहाब राम जो गुलाम और लोंडि थी मुसलमान होने की वजह से उन पर जुम्मो सितम हो रहा था अल्लाह ने उनको दौलत दे रखी थी उस दौलत के ज़रिए से इन लोंडियों को इन गुलामों को ख़रीद करके वो आज़ाद कर रहे थे अल्लाहबमिन ने शुरल के अंदर व लीदा व नहारी उसमें जिक्र फरमाया है उग्र सदी तों के मकाम व मरतबा को उनके इस अमल को अल्लाह ने किस पसंदीदगी की निगाह से देखा है उसका क्या दर्जा है इनके मुकाबले में जो लोग थे जो इनकी मुखालफत कर रहे थे उनका अल्लाह आलमीन ने उसमें अंजाम बयान किया फरतमनारल्दा लाला अल्लाशा अल्लादी कदबल्ल ये उमैया बिन खलफ़ और दिगर लोग जो थे उनके मुतालिक अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि इनका यह अंजाम होने वाला उसको पढ़िएगा तो इन तमाम वाकयात को पढ़ने के बाद और देखिए अम्मार बिन यासिर, हज़रत अम्मार बिन यासिर हैं उनके वालदेन हैं पूरा ख़ानदान है, सब ग़ुलाम हैं हजरत अमार को भी मार मार करके उनके साथ भी मामला किया अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम देखते कि आले यासिर हैं सज़ा से दो चार किए जा रहे हैं एक कायद एक रहबर उससे लोगों को बड़ी उम्मीदें होती लेकिन कभी कभी बेबसी का ये आलम होता है कि वो कुछ कर नहीं पाता अल्लाह के नबी थे रहबर थे आप पैगंबर थे रसूल थे और आप ही की दावत पर वो लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे अल्लाह तार हिदायत दे रहा था आपकी दावत पर यानी मुसलमानों में सबसे बड़ा लीडर अगर कोई था तो अल्लाह के नबी थे वहाँ पर वहाँ बेबसी का ये आरम था कि अल्लाह के नबी गुजरते तो सिर्फ ये कहते आलिया इस ब्र आसर आसर सब्र करो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है ये बहुत किस कलेजे के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला अदा करते थे वो आप ही बता सकते हैं कि हमारे मानने वाले हमारे मनहज पर चलने वाले अल्लाह के नेक बंदे सताए जा रहा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और दूसरी तरफ उन मुसलमानों के भी जिगर की बात थी कि अल्लाह के नबी की, की बातों को सुन करके सब्र किया करते थे वरना ऐसा तो बहुत कम होता है करे कब तक सब की बात करते हो आज भी लोग कहते हैं कब तक सबरे करेंगे जब तक अल्लाह आलमीन का हुक्म नहीं होता तब तक सब्र कीजिए और उन्होंने सब्र कर करके दिखा दिया पिटते रहे मार खाते रहे सताए जाते रहे जो कुछ हो सकता था अहले मक्का करते थे यहाँ तक तो कि अहले मक्का खुद थक गए लेकिन ये अहले ईमान रब्बुल आलमीन ने इनको साबित कदम रखा अपने जज्बे से साबित कर दिया कि तुम तो थक जाओगे लेकिन हम थकने वाले नहीं चुनाचे अजाब सहते हज़रत यासिर का इंतकाल हो गया ऐसे ही आपकी वालदया का मामला रहा अबू जहल ने नज़ा मार्क उनको शहीद कर दिया और अमरल्लू का मामला इस कदर सख्त था कि लोहे के ज़रा पहना देते थे सख्त गर्मी के आलम में धूप में खड़ा करके लोहे के ज़रा पहना देते थे भारी पत्थर रख देते थे ताकि आप करवट ना बदल सकें इतना सताते इतना सताते कि एक दिन जिनसे कहा जाता था अल्लाह का इनकार करो मोहम्मद का इनकार करो इन्होंने एक दिन अपनी ज़बान से अदा कर दिया उसके बाद भागे भागे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं तो हिलाक हो गया मैं तो हिलाक हो गया क्या हुआ मैंने ऐसा ऐसा कह दिया अल्लाह रबिन आयत करी मन फरमाई मन क़रबिल उकबिल शराबिलक्रदरफ़बल वी कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बाद जिन लोगों ने कुफ्री कर दिया शरह सदर के साथ कुफ्री किया तो उन पर जो है सख्त आदाब है पालिम गदब उमिन का गदब है बड़ा अदाबाब बीच में थोड़ा टुकड़ा आयाम उकर वह मुतमिल ईमान मगर उन लोगों पर अल्लाह का गज़ब नहीं अल्लाह का अजाब नहीं जो अपने ईमान के बाद कुफ्र पर लौटे तो लेकिन मजबूर करने के वजह से उन्हें मजबूर कर दिया गया कुफ्रिया जुमला अपनी ज़बान से अदा करने पर उन पर अल्लाह का कोई अज़ाब नहीं है अल्लाह का कोई गज़ब नहीं है लेकिन अल्लाह बयान कैसे फरमाया है पहले मन कफर ईमानी यानी आगे पीछे की आयत को मिलाएंगे तो ईमान के बाद कुफर का जो मकाम है जो उसकी शनात है वो बिल्कुल पक्की है कि ईमान के बाद कुफर का अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला है और बीच में उसको बयान कर दिया कि हाँ ऐसे लोग बच जाएंगे जो कि जो है मजबूरन इस तरह के जुमला अपनी ज़बान से अदा कर देते हैं या कोई काम ऐसा कर देते हैं तो बहरहाल ये आयत करीमा जब नादिल हुई तो उनको तसली हुई अल्लाह रबीन ने नबी अलैहि वसल्लम ने उनको बशारत सुनाई ऐसे ही बहुत सारे सहाब कराम के साथ मामला रहा ये पूरे वाक़ा जो मुसलमानों के तहज़ीब के वान से आपके सामने मैंने रखा है चंद वाक़ात दिक्री किए इन तमाम चीज़ों को सामने रख करके हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि अगुअल हम दीन के लिए कितनी कुर्बानी दे रहे हैं हम दीन के लिए कितनी कुर्बानी दे रहे हैं वो अपनी जान भी दे रहे हैं वो घसीटे भी जा रहे हैं वो गाली भी दिए जा रहे हैं बहुत सारा मामला उनके साथ हो रहा है तो अपनी दीन को बचाने के लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं। हम कितना दे रहे हैं ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अपने दीन को बचाने के लिए हम अब जब अपने समाज के अंदर जब जायजा लेते हैं अपना जायजा लेते हैं अपने घरों का जायजा लेते हैं समझ में आता है कि अवलन एक बड़ा तबका तो दीन पर अमल पैरा है ही नहीं वो छोड़ बैठा है दूसरा एक बड़ा तबका ऐसे लोगों का है कि दीन का कहते मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू जहां तक आसानी से वो दीन पर अमल कर लिए वहां तक कर लिए जहां जरा सी रुकावट छोड़ दी जहां जरा सी रुकावट रुकावट का मतलब कि बस थोड़ी सी परेशानी है कि अगर थोड़ा सा बात करेंगे मामला हल हो सकता है तो जरा से कहीं रुकावट आई वहीं वो इस्लाम को छोड़ करके दूसरी चीजों को फॉलो करने लगते हैं। दाढ़ी का मामला ले लीजिए पर्दा का मामला ले लीजिए नमाजी का मामला ले लीजिए नमाज जब तक आसानी से पढ़ सकते पढ़े नहीं पढ़ सकते नहीं पढ़े एक बड़ा तबका ऐसा है ऑफिस में नहीं पढ़ पाते यहाँ नहीं पढ़ पाते स्कूल में नहीं पढ़ पाते सफर में नहीं पढ़ पाते अपने दीन पर अमल करने के लिए ज़र्रा बराबर कुर्बानी देने को तैयार नहीं लोग क्या कहेंगे इबादत का मामला हुआ मामलात का मामला हुआ तिजारत का मामला हुआ जहां तक आसानी से सूझ से बच जाएंगे बच जाएंगे वहां तक हलाल हलाल की बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सब चलेगा जहां ज़रा सही आया कि अगर हम सूद नहीं लेंगे थोड़ा नुकसान हो सकता है सूद ले लेंगे इतना फ़ायदा हो सकता है हमारा पड़ोसी ले रहा है तो अब वहाँ हम अपना दीन फिर नहीं देखते हालांकि हैं दीनदार हालांकि हैं दीनदार लोगों के निगाह में समाज के निगाह में ख़ुद अपने निगाह में लेकिन ज़रा सी रुकावट आई उसको छोड़ दो बकिया दीन पर तो है ही है यानी हम जरा बराबर कुर्बानी देने को तैयार नहीं माल की कुर्बानी हो गई या इसी तरीके से लोगों की बातों को सहने की कुर्बानी हो गई अपने मजाक उड़ाए जाने की कुर्बानी हो गई ये सब कुर्बानी की बात है ना कि हम अपने दीन को बचाने के लिए दीन पर अमल करने के लिए इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं कुर्बानी की बात है तो हम इतना भी करने को तैयार नहीं और ये साहब कर अपनी जान देने को भी तैयार लोग कहते हैं जान दे देंगे तो उनके जहन में फौरन ये होता है कि मरते लड़ते हुए मर जाएंगे मारेंगे या मर जाएंगे ये वही तस्वूर है जान देने का नहीं, दीन के लिए लड़ते हुए म, कोई हमको मार देगा मर जाएंगे जान दे देंगे वही तस्वूर है अरे जनाब ये भी एक तस्वूर है कि कहीं कहीं दीन पर अमल पैदा होने के लिए मुमकिन है आपकी जान ले लीजिए कोई बात नहीं लेकिन हम दिन नहीं छोड़ेंगे तो ये एक तो ये कुर्बानी कि हम अपने दीन की कितनी कुर्बानी दे दीन के लिए कितनी कुर्बानी दे रहे हैं दूसरी बात जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हर दौर में ऐसा रहा है कि अहले बातिल जब दलाइल नहीं दे पाते तो ताकत का इस्तेमाल करते हैं आज हिंदुस्तान में कुछ ऐसा ही हो रहा है तो बस सिर्फ यहां कहना यह है कि आज हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है हकीकी मानों में वो पक्के मुसलमान होने की वजह से नहीं हो रहा है बस थोड़ा फर्क है मक्का में भी मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ और हिंदुस्तान के अंदर भी हो रहा है मॉबलिंचिंग वहां भी थी यहां भी है लेकिन दोनों में फर्क है दरअसल सा वो दीन पर अमल पैरा होने की वजह से बेचारे सताए जा रहे थे और आज हम सिर्फ नाम के हैं इस वजह से मामला है अगर वाकयाता मुसलमान हो जाए तो मुसलमान इतना कमजोर नहीं है इतनी मामली तादाद नहीं है फिर उनको भी समझ में आएगा कि नहीं इनकी कम्यूनिटी ज्यादा है और ये लोग मुतहिद हैं वगैरह वगैरह लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात होता है ना कि एक दबाव होता है लेकिन हम देखिए एक सिख कौम है वो तो कैसी भी है उनके क्या मामलात हैं लेकिन वो अपनी शनाख्त को मिटाती नहीं है अपनी शनाख्त को अपनी पहचान को नहीं मिटाती उनकी पगड़ी हो गई उनकी दाढ़ी हो गई जो कुछ भी है वो मिटाती नहीं है कहीं भी चली जाए वो कौम उसी तरीके से रहती है तो वो दिखते हैं सा उनकी तादाद भी दिखती है बहुत कम परसेंट लेकिन दिखते हैं ना लेकिन मुसलमान उस समझ ही में नहीं आता है मार्केट में आप चले जाए तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कौन मुसलमान है कौन नहीं है हम लोग कोशिश करते हैं धागा वगैरह देख के समझने की कोशिश पता धागा भी ये भी बांधते वो भी बांधते हैं दो सारी चीजें हैं ना गाड़ी में देखो तो गाड़ी भी निगाह डाली है वहां भी कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है बस कभी कभी फर्क होता तो है, वो उनकी लगाए तो उनकी लगाए तो लिंचिंग पहले भी हुई है और आज भी हो रही है मामला दरअसल फ़र्क है कि उन्होंने दीन पर अमल करते हुए इस कुर्बानी को कबूल किया है और हम दीन को छुपाते हुए हमारे साथ ऐसा हो रहा है वाक़ता इल्ला माशा चंद लोग ऐसे भी बीचारों के साथ ऐसा हुआ और दूसरा सामाजिक एतबार से जो कमज़ोर हैं वो कभी भी जब भी सामाजिक समाज में जो असर रसूख वाला तबका है उससे हट कर कभी भी कोई रास्ता अपनाए हैं तो उनके साथ जुर्मों सितम हुआ है अब हिंदुस्तानी में देख लीजिए दलित समाज है दलित समाज दीन ईमान से हट के मैं बात करूँगा उनको भी हमसे कहीं ज़्यादा उनके साथ ऐसा मामला हो रहा है गलती उनकी क्या है उनकी गलती ये है कि जो समाज के आला तबका अपने आप को कहता है उसके खिलाफ जरा सा रविश अख्तियार की उनके साथ ऐसा हो रहा है तो मवलिन लिंचिंग पहले भी हुआ और आज से ज़्यादा ख़तरनाक अंदाज में हुई है लेकिन खुशनसीब है वो लोग जो जो इस पर सब्र किए और अपने दीन पर कायम रहे और बदनसीब है वो लोग कि जो इस तरह की चीज़ों को झेलते भी हैं और अपना दीन भी नहीं बचा पाते अपना दीन भी नहीं बचा पाते कोशिश भी नहीं करते फौरन अपने आप को अलग करने लगते हैं कितने मुसलमान हैं आज इस वजह से दाढ़ी नहीं रख रहे हैं कि फला जगह मैं जवाब कर रहा हूँ अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा सफर जो तो हालात बहुत ख़राब हैं इसलिए दाढ़ी तो रख के जाओ तो बड़ा वो तो लगता है डर लगता है लगी लगने दीजिए भाई कुछ होगा तो अल्लाह के लिए होगा ना तो ये दीन के एतबार से होना चाहिए और ये मामले कोई नई बात नहीं है। पहले से वही है अहल हक के साथ लोगों ने ऐसा किया है लेकिन कोई एक मिसाल ऐसी नहीं मिलेगी कि अहिल हक ने अहिल बातिल के साथ ऐसा किया पावर में आने के बावजूद कभी किया है तो हुकूमत ने खुद उनके खिलाफ एक्शन ले लिया है। साहब ग्राम पावर में आए जिन पर जुल्म वो पावर में आए कुछ लोग जज्बा थे कि अब उस आए हमारे हवाले कर दीजिए लेकिन शरीयत ने बताया ना अहले हक का यह नहीं होता मान गए तो बहरहाल तो जो अहले हक होते हैं वो मॉबलिन नहीं करते बल्कि वो कानून का सहारा लेते हैं शरीर कानून है तो शरीर कानून और नहीं तो फिर जो भी इस कानून के तहत मातहती में जिंदगी बसर हो रही उसके अतबार से उस मामले को हल करता है सबसे बड़ा तो ये है कि हमारा इस्लाम हर जगह हमें रहनुमाई करता है तो दावत का काम जब हम करेंगे तो इसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए भी हमको तैयार रहना, रहना पड़ेगा ऐसे ही इन हालात में भी कुछ ऐसे लोग सामने आएंगे जो आपका मदद करेंगे जिनसे अल्लाह आलमीन आपकी मदद करवा देगा उसी समाज में अबूका ताला ने उनको अल्लाह आलमीन खड़ा कर देता है कि इन गुलामों को ख़रीद खरीद करके आप आज़ाद कीजिए जहिर सी तो बात है अल्लाह की तौफीक के बगैर ये भी मुमकिन नहीं था तो जो जिस हैसियत से है उस हैसियत से उसको काम करना चाहिए अगर हमारे बाद भाई ऐसी के शिकार हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं तो अपनी इस्तात पर हमें उनको बचाने की कोशिश करना चाहिए असर वसूख से पैसे से जिस एतबार से अल्लाह ताला ने आपको नवाज़ा है उस एतबार से हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए और सदीक ताल लायक थे वो खड़े हुए और उन्हें आज़ाद करा करा करके ख़रीद करके कर, आज़ाद करा दिया जेलों में लोगों को ठोस दिया जाता है अगर हम कर सकते हैं, उनको आज़ाद करार कराना चाहिए बहुत सारे लोग ऐसे मकाम पर रहते हैं जहाँ चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो हमेशा दुश्मनी पर आमदा रहते हैं एक मुसलमान वहाँ है वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन निकल नहीं पा रहा क्या करेगा कहाँ जाएगा उतने पैसे नहीं कि नया घर तामीर कर ले वहाँ कोई ख़रीदेगा नहीं बहुत कम पैसे में ख़रीदा तो हम अगर कुछ कर सकते हैं करना चाहिए हमको और जब करने भी आएंगे तो अल्लाह ताला रास्ता निकाल तो अबू का सिद्दीक बनने की भी कोशिश करना चाहिए समाज में अगर हैं तो इसी समाज में अबू का सद्दीक भी रहेंगे बस हमको ख़ुद सोचना है कि इस मकाम पर कौन फायज़ हो हमको मौका मिल जाए तो कितना बेहतर होगा तो ये सब करने की चीज़ें हैं ऐसे ही अगर आप उसका मुताला करेंगे तो और बातें भी आपके सामने वाज होने तो अभी तक ये तमाम कोशिशें जो ज़िक्र की गई ये सब कोशिशें मुसलमानों के खिलाफ थीं साहब कराम के खिलाफ थीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नहीं थी आप पर कोई हाथ नहीं डालता था क्योंकि एक मकाम था आपका समाज के अंदर नबूत से पहले घर कोई उहदा पोस्ट आपके पास नहीं था लेकिन सबकी आंखों का तारा थे वो और ख़ानदान भी आला था ख़ानदानी थे पहले दर से मैंने पेश किया ख़ुद अबू अबुत, अबू तालिब जो आपके चचा थे उनका भी एक हैसियत थी समाज सरदार थे उनकी वजह से भी ये अबू जहल हुए फ़ला हुए फ़ला हुए हिम्मत नहीं करते थे लेकिन धीरे धीरे आप तक भी लोग बुरी नीयत से पहुंचना शुरू कर दिए और जब जानते हैं कि जो रहबर है उस पर हाथ डाल देंगे तो जो उसके मातहत लोग हैं उनके हौसले पस्त हो जाएंगे शायद आप पहुंच गए हों ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया गया कि अब धीरे धीरे नबी अलैहि वसल्लम के अतराफ़ का घेरा तंग करने लगे सबसे पहले तो उन्होंने किया वो तालिब जो आपके सरपरस्त थे उनसे गुफ्तगू की बातचीत की और कहा कि ऐसा है ये आपका बेटा भतीजा हमारे महबूदों को बुरा भला कहता है वगैरह वगैरह हमारे दरमियान इख्तलाफ पैदा कर दिया है या तो इनको समझाओ बाज़ आ जाए या तो हमारे और इनके दरमियान से आप हट जाइए हम इनसे निपट लेंगे चचा बतालिफ ने बात सुनी और सुनने के बाद समाज के सरकर्दा लोग आए थे गया कि पूरा समाज आया था प्रेशर बना रहा था इनको रोक लीजिए या तो आप दरमियान से हट जाइए हम इनको निपटा लेंगे उन्होंने समझा बुझा करके भेज दिया चले गए दूसरी बार फिर आए और फिर आने के बाद वही तमाम बातें हुई और उन्होंने कहा कि देखिए वो तालिब आपका एक मकाम हमारे आपका एक मकाम है हमारे दरमियान शरफ़ मंजिलत वाले हैं हमने आपसे अर्ज की थी कि आप अपने भतीजे को मना करें मगर आपने मना नहीं किया हम बखुदा ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बाप दादों को बुरा भला कहा जाए हमें बेवकूफ़ करार दिया जाए हमारे मबूदों पर ऐब लगाए जाएँ लिहाजा आप या तो उन्हें मना करें या फिर आप हम आपके और उसके दोनों के मुकाबल उतर पड़ेंगे और उस वक्त तक नहीं टलेंगे जब तक कि एक फरीक का खात्मा होना यानी आपसे लड़ने की बात पहले में क्या था आप इनको बाज रख लीजिए या आप हट जाइए आपसे नहीं लड़ेंगे इनसे लड़ेंगे दूसरे में आया कि आपने अभी तक समझाया नहीं तो कहा कि आपसे भी लड़ेंगे अभी तक तो ये बीच में आप हैं इसलिए हम लोग रुके हुए आप हट जाते तो मुकाबला कर लें लेकिन अब यह है कि आप भी हैं तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे ये कहकर वो लोग चले गए अब तालिब को अब महसूस होने लगा कि मामला काफ़ी बढ़ चुका है कुछ होना चाहिए नबी करीम अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि अब मुझ पर और अपने आप पर रहम करो मेरी ताकत से ज़्यादा मुझ पर बोझ ना डालो मना नहीं किया लेकिन हालात से आगाह कर दिया नबी करीम अलैहि वसल्लम को उस समाज के अंदर जहरी जो एक भरोसा या एतमाद या एक मदद थी वो भी टूट चुकी थी एक सहारा जो जाहिर है तो वो भी टूट चुका था यहां पर बड़ी हिम्मत और हौसले की बात होती है फैसला लेना चुनाचें नबी ने फरमाया चाचा जान वल्ला अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चाँद रख दें कि मैं इस काम को छोड़ दूँ तो भी नहीं छोड़ सकता यहाँ तक कि या तो अल्लाह इस दीन को गालिब कर देगा या मैं इसी राह में हलाक हो जाऊंगा ये जुमले हमने बारहा बा सुना है पढ़ा है बयान किया है लेकिन किन जज्बात के साथ अल्लाह के नबी ये बात कही होगी किन हालात में कही होगी वो अभी तक हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं जब में से किसी पर इस तरह का मामला पड़ता है कि कोई सहारा नहीं लेकिन अपने मिशन पर हम जमे हुए हैं मिशन पर यकीन है तब इस तरह के जुमले निकलते हैं अल्लाह के नबी का ये जुमला सुनने के बाद अब तालिब ने कहा उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू निकल गए आप रो पड़े ये देख कर तालिब ने कहा मोहब्बत कुव्वत राजी पलट आई उन्होंने कहा भतीजे जाओ जो कहना हो कहो वल्लाह मैं तुम्हें कभी किसी भी वजह से नहीं छोड़ सकता हालात का धारा कैसे मोड़ दिया जाता है हालात का कैसे मुकाबला किया जाता है इस सीरत हमको बताती है कि ऐसे मौके पे हमको क्या करना चाहिए परेश अभी भी नहीं माने और फिर उन्होंने एक और वफ़द अबूतारिफ़ के पास भेजा और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की तजवीज़ थी एक तजवीज़ ये थी कि एक खूबसूरत नौजवान लड़का लेकर के आए इनको ले लो उनको दे दो इनको अपना लड़का मना लीजिए उनको दे दो ऐसा होता क्या अजीब बेवकूफ़ लोग हैं हकीकी मानूम बेवकूफ़ हैं खूबसूरत तरीन लड़का लेकर के आएगा इनको ले लो उनको दे दो फिर उनको हम निपट लेंगे अब कहा वल्ला तुम लोग इंतहाई बुरा सौदा कर रहे हो मुझे तो तुम अपना बेटा देते हो कि मैं उसे खिलाऊं पिलाऊं और मुझसे मेरा बेटा मांग रहा हो कि उसको तुम कदले करो अपना वाला मुझे तो मैं पालूं और मेरा वाला ले जाके कदल कर दो ये देकर वापस कर दिया नबी करीम वसल्लम। के लिए अब तालिब की कुर्बानियां अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले लेता है और जब भी आप काम करने खड़े होंगे कोई ना कोई ऐसा सहारा अल्लाह दिखा देता है जिससे उम्मीद नहीं रहती जो खुद उन्हीं के लोगों में से रहता है। क्या उन लोगों ने नहीं कहा होगा कहा है कि हम और आप एक ही दीन पर हो अपने दीन की मदद करना चाहिए ना जो मजहबी तसुब जो होता है उसको उकसाने की कोशिश किया उन्होंने लेकिन अल्लाह उन्हीं के दरमियान से किसी को खड़ा कर देता है जो जाहिर सहारा बन जाता है कुछ चीजें बयान नहीं किए। बाद हमारे साथी बयान कर रहे थे बाज़ मकाम पर जब परेशानी आई तो अपनों ने पल्ला झाड़ लिया वो बहुत सेकुलर बनने लगे और वहीं पर उसी डिपार्टमेंट में ऐसा भी कोई था जिसका दीन दूसरा था लेकिन वो इंसाफ पसंद था उसने रास्ता दिखा दिया ऐसा हुआ है तो अल्लाह ताला किसी ना किसी को खड़ा कर देता है जब आप काम करने पर आते हैं फिर नबी करीम अलैहि वसल्लम को लोगों ने खुल्लम खुल्ला बुरा भला कहना शुरू कर दिया धमकियाँ देनी शुरू कर दी और वो मौका भी आया कि अल्लाह रबुलमीन कि लानत हो इन पर कि इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्तर दराजी भी की मारपीट की भी नौबत आ गई हालत सजदा में ला कर के ओझड़ी डाल दी गई वगैरह वगैरह मशहूर वाकयात हैं तमाम वो सब किए जाने लगे लेकिन एक बात थी ये लोग अल्लाह के नबी के बद्दुआ से बहुत डरते थे यानी उनको उनकी बातों को सही नहीं मानते थे लेकिन यह मानते थे कि आदमी सही है इनकी बात अल्लाह सुन लेता है कई मौका ऐसा आया कि अल्लाह वसल्लम ने सदुआ दी एक शख्स था उमैया बिन खलफ जो आपको देखता तो तानो तशनी करता आंखें दबा कर उनसे इशारा करता लोगों को हंसाता था इस तरह उसका भाई बिन खलब धमकियाँ देता कहता अय मोहम्मद मेरे पास ऊद नामी घोड़ा है जिस जिसे रोज़ाना तीन सा खुराक खिलाता हूँ सा तीन सा खुराक खिलाता हूँ उसी पर सवार होकर तुझे कदले करूँगा अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमा दिया बल्कि इन मैं तुझे कदले करूँगा और ऐसा ही हुआ कि उहुद में आप ही ने उसे कत्ल किया एक रोज़ यही उबई बिन खलफ एक बूसीदा हड्डी लाया और उसे तोड़कर अलैहि वसल्लम के, के चेहरे तरफ़ फेंक दिया इस शख्स का जो उहुद में जो कत्ल हुआ है जो कत्ल किया ऐसे नहीं गर्दन मार दी हो एक खराश लगी थी बस और ये कहता था कि मुझे मोहम्मद ने मार दिया और उसी में गया है यकीन हो गया था ना कि उन्होंने उस मौके पे कहा था मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा उसको यकीन था कि कत्ले कर, कर देंगे और कई वाकत हैं कि अल्लाह के नबी ने ऐसा कह दिया वो शायद कहीं किसी मकाम पर है वो कौन था याद नहीं मुझे कि जब वो सफर में गए अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमको अल्लाह के शेरों में से कोई शेर चीर फाड़ कर देगा फाड़ डालेगा तो जब सफर में गया तो काफिले के एकदम बीच में अपने आप को कहा मुझे वहाँ जगह दीजिए मोहम्मद की बात मुझे याद आ रही है और रात में वही हुआ एक जानवर आया उसको वहीं चीर फाड़ के चला गया तो बहरहाल इस तरह के नबी करीम अलैहि वसल्लम के साथ मामला हुआ जो अभी तक नहीं हो रहा था एक वाक्य और जो मशहूर हैं अबू लहब के दोनों बेटों पर अल्लाह के नबी की दो बेटियों का अक्द हुआ था अबू लहब तो पहले दिन से आपका दुश्मन था और आपके दर पर आज़ार रहा करता कहा उसके दो बेटे उतबा उतैबा के अद में नबी करीम अलैहि वसल्लम की दो साहबज़ादियाँ रुक़िया उम कुलतूम थीं अबू लहब ने दोनों बेटों से कहा अगर तुमने मोहम्मद की बेटियों को तलाक ना दी तो मेरा तुम्हारा आमना सामना हराम है ये बहुत बड़ी कुर्बानी है उसकी बीवी ने भी कहा उन्हें तलाक दे दो क्योंकि वो बददीन हो गई है चुना चुना तलाक दे दी दीन के लिए सब भी बर्दाश्त करना पड़ता है कहना आसान है सुनना आसान है लेकिन अगर किसी की बहन बेटी के साथ सिर्फ दीन की वजह से और कोई गलती नहीं थी उसकी वजह से अगर हो रहा है उमोन क्या होते हैं हम लोग झुक जाते हैं मान जाते हैं जाने दीजिए क्या करें मजबूर लेकिन ये अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के साथ किया गया तो मिशन पर पर अगर अगर यकीन है तो बड़ी से बड़ी कुर्बानियां झेल ले जाना बर्दाश्त कर लेना यह आसान हो जाता है और अपने मिशन पर यकीन नहीं है तरद के शिकार हैं कि पता नहीं क्या होगा ऐसा वैसा तो फिर मामली सी हुई तकलीफ़ हमें उस मिशन से रोक देती नबी करीम वसल्लम पर हाथ डाल उन्होंने साबित कर दिया कि अब मुसलमानों के यहाँ कोई हैसियत नहीं अभी तक क्या था मुसलमानों का एक सहारा था कम अज़ कम अल्लाह के नबी पर तो किसी ने हाथ डालने की ज़रूरत नहीं की लेकिन मुसलमानों के हौसला को पस्त करने के लिए उन्होंने ये कोशिश की कि अल्लाह के नबी के साथ दस्त दराजी का मामला आपको बुरा भला कहने का मामला आपको मारने का मामला आपको बेइज्जत करने की कोशिश की गई ऐसे मौके पर फिर वही बात कि हम अपने मिशन में कितने मज़बूत हैं कितना यकीन रखते हैं अगर अपने मिशन पर यकीन है तो हमारा छोटा है कि बड़ा किसके साथ क्या हो रहा है वो होने दीजिए लेकिन अपने मिशन को हमको आगे बढ़ाना है अभी हिंदुस्तान में कुछ माहौल ऐसा बन रहा है कि अब जो अहले इल्म हैं जो कुछ बड़े लोग थे मुसलमानों के हैसियत से इस्लाम की हैसियत से जो माने जाते थे उन पर हाथ डालने की कोशिश की जा रही है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं उनकी कोशिश है शुरू में छः सात साल पहले वाक़ हुआ एक दाई को यहाँ से जाना पड़ा फिर दूसरे दुआत को भी आजकल चल रहा है जिसकी कोई हकीकत नहीं तो वो ये साबित करना चाहते हैं कि इनकी कोई हैसियत नहीं क्या ये सच है कि मुसलमान को, कोई हैसियत नहीं मान लें हम नहीं हम अगर अपने मिशन पर यकीन रखते अपने दीन पर यकीन रखते हैं तो कौन जा रहा है कौन आ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है फ़र्क इससे पड़ने वाला है कि हम अपने दीन से कितना दीन पर कितना यकीन रखते हैं इस पर कितना अमल करने का जज्बा हमारे अंदर बाकी सहारा कौन देता है रब्बुल आलमीन देता है जहां कोई सहारा नहीं वहां अल्लाह का सहारा है उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं उससे बड़ा कोई नहीं शैन कदीर है वो समीम बसीर है वो अलीम बिदात सदूर है अलीम खबीर है सब कुछ तो वही है सारी ताकतें उसी के पास हैं वो जो चाहे वो करेगा हम उसके बंदे जाहरी तमाम ताकतें खत्म हो गई हैं लेकिन हमारा ताल्लुक जिस जात से है अगर हम उसको याद करते हैं तो फिर हम अपने आप को मजबूत समझते हैं कि हम तन्हा नहीं हैं और हम कमज़ोर नहीं मुसलमान तन्हा हैं बोलिए नहीं कमज़ोर हैं नहीं क्योंकि हमारे साथ अल्लाह है ना तनहा है ना कमज़ोर हैं हाँ ये हो सकता है कि हमारा ईमान कमज़ोर हो जाए जिस दिन ईमान कमज़ोर हो जाएगा उस दिन हम हनहा भी हो जाएंगे और कमज़ोर भी हो जाएंगे वरना मुसलमान हमेशा मजबूत रहा है मजबूत रहेगा दूसरी बात ये है कि इसी में से हाँ दूसरी बात ये है जो हमें ज़िक्र करना है कि अहले बातिल अल्लाह वालों से डरते हैं उनकी से डरते हैं कितना भी उनको यकीन हो है। ये है वो है वो अल्लाह का बंदा जब अल्लाह आलमीन से मदद मांगने लगता है और वो मुखालफी को जरा सा भी दीन के बारे में मालूम है जरा सा भी मालूम है तो वो घबरा जाते हैं क्योंकि उनका ईमान इतना मज़बूत होता ही नहीं अपने दीन पर अपने भगवान पर अपने फल पर उतना मज़बूत नहीं होता हमारा मामला है ना कि अगर कोई शख्स किसी देवी देवता से हमारे खिलाफ बद करता रहे कि ए फ इनको हिला कर दे हमें कोई असर नहीं पड़ने वाला क्यों हमारा अपना ईमान इतना मजबूत है कि अल्लाह के अलावा कोई और कुछ कर ही नहीं सकता दूसरी बात हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे तो क्या अगर गलत करें तो वो भगवान से क्या किसी से ना मांगे फिर भी अल्लाह आलमीन हमें सजा दे सकता है मजलूम पर कोई भी र करे अल्लाह ताला बगैर बद्दुआ के सज़ा दे सकता है ये हमारा यकीन है लेकिन हमने गलत नहीं किया है तो वो किसी से भी बद्दुआ करे हमें कुछ नहीं होगा हमें अल्लाह पर यकीन है तो हमारा अल्लाह पर ईमान जितना मजबूत होगा उतना ही हम उनकी बद्दुआओं से नहीं डरेंगे और जिनका अल्लाह पर भरोसा नहीं होता वो अल्लाह पर उनकी बदवाओं से डरने लगते हैं इसी तरीके से जो अहल बातिल हैं उनको अपने जो भी उनके मबूद हैं उन पर उतना यकीन नहीं होता और हकीकी मानों में उतना वो यकीन करने के लायक है भी नहीं तो यकीन है भी नहीं तो जब कोई बंदा अल्लाह से उनके खिलाफ बदुआ करता है तो डर जाते हैं वो क्योंकि ईमान उधर कमज़ोर है वो नहीं मानते कि इनके अलावा कोई और भी नफा नुकसान का मालिक नहीं है क्योंकि हम मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है तो बहरहाल अल्लाह की मदद अल्लाह का सहारा हमें अल्लाह से तलब करते रहना चाहिए जजाकल्लाख़िर बारकल्लाफिक अल्लामक वरह लबरक